टू बी ऑनेस्ट, हम सभी एग्जाम के खौफ से वाकिफ हैं। वी ऑल नो कि पूरे साल के सिलेबस को एक हफ्ते में या एक दिन में रिवाइज करना कितना मुश्किल होता है। हम 8 घंटे, 10 घंटे, 16 घंटे पढ़ने की प्लानिंग करते हैं, बट इस बीच हमारे रास्ते में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो है फोकस, कॉन्सेंट्रेशन। सो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्टूडेंट्स कैसे लंबे समय तक पूरे कॉन्सेंट्रेशन एंड फोकस के साथ पढ़ सकते हैं। नंबर 1, स्टडी इन 2 to 3 hour ब्लॉक्स। आई नो ये फेमस पोमोडोरो टेक्निक के अगेंस्ट है, बट अगर मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो जब मैं एक बार पढ़ने के जोन में आ जाती हूं, तो मुझे वहां से तब तक नहीं हिलना जब तक कि मैंने एक सेटिस्फैक्ट्री पोर्शन कंप्लीट ना किया हो। आई एम श्योर आप मुझसे अग्री करेंगे कि पढ़ने से ज्यादा मुश्किल काम है पढ़ने के लिए बैठना। तो कोई अगर बार बार ब्रेक्स ले तो उसे हर बार पढ़ने के लिए बैठना और भी मुश्किल लगेगा। प्लस कभी कभी 5 मिनट का ब्रेक 50 मिनट का ब्रेक बन जाता है। सो आप नहीं चाहेंगे कि आप सिर्फ 25 मिनट पढ़ो और फिर टाइम वेस्ट करो। ये मेरे हिसाब से इनएफिशिएंट है और साथ ही साथ डिस्करेजिंग भी। एक और चीज, जब आप पढ़ाई के जोन में एंटर करते हो तो आपको एक फ्लो स्टेट में आने में टाइम लगता है। फ्लो स्टेट का मतलब है डीप वर्क की स्टेट में आना। डीप वर्क यानी आपका माइंड उस एक्टिविटी में इतना इन्वॉल्व हो जाता है कि आपके लिए उसके अलावा और कुछ भी मैटर नहीं करता। सो 25 मिनट के इंटरवल में पढ़ना आपके फ्लो स्टेट को डिस्टर्ब करता है, इसलिए 2 to 3 hours के ब्लॉक में पढ़ाई करना आपकी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी के लिए अच्छा है। इसके बाद आप आराम से 1.5 से 2 घंटे के लिए ब्रेक लेकर चिल कर सकते हो। नंबर 2, हैव अ स्टडी प्लान। अगर आपके डेली एंड वीकली टारगेट्स पहले से डिसाइडेड हो, तो आपको एवरी मॉर्निंग डिसीजन मेकिंग में टाइम वेस्ट नहीं करना होगा। आपको पहले से पता होगा कि आज क्या पढ़ना है। सो फॉर दिस आप हर रात सोने से पहले ये प्लान करो कि आपको नेक्स्ट डे क्या पढ़ना है, और उससे रिलेटेड बुक्स, नोट्स एंड अदर स्टडी मटेरियल पहले से स्टडी टेबल पे अरेंज करके रखो। इससे नेक्स्ट डे आप सुबह सुबह कोई फ्रिक्शन या कंफ्यूजन फेस नहीं करोगे कि आज क्या पढ़ूं, इस बुक में कितना कंप्लीट कर लिया, कितना बचा है, एसेट्रा। ये सारी चीजें प्रीवियस नाइट डिसाइड हो चुकी होंगी। सो आपको बस अपने फिक्स टाइम पे पढ़ने बैठना है एंड आप इमीडिएटली अपने स्टडी जोन में होंगे। नंबर 3, लोकेशन। ये टिप मेरे खुद के एक्सपीरियंस से जुड़ी है। इमेजिन अगर आप वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ एक ही जगह में पढ़ते हो, तो धीरे धीरे वो जगह आपके लिए सफोकेटिंग हो जाती है। वहां जाने से ही आपको एग्जाम का स्ट्रेस फील होने लगता है कि अभी भी इतना सिलेबस बचा है, मैं कैसे ये सब कंप्लीट करूंगा। यू नो यू हैव टू स्टडी, बट अंदर ही अंदर आप उस जगह को, उस एनवायरनमेंट को हेट करने लगते हो। दिस इज समथिंग जो मैं पढ़ते वक्त फील करती थी। देयरफॉर आई डिसाइडेड कि मैं अपने लिए चीजें फ्लेक्सिबल रखूंगी। मुझे जब भी लगता था कि मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ, चाहे उसका कारण स्ट्रेस हो या सिंपली बोर्डम हो, तो मैं एक डिफरेंट लोकेशन में पढ़ने की कोशिश करती थी। कभी काउच पे, कभी डाइनिंग टेबल पे, तो कभी बेड टेबल पे। हो सकता है कि मेरी बात से आप रिलेट ना करें, बट रीसेंट स्टडीज भी यही कहती है कि स्टडी एनवायरनमेंट चेंज करते रहने से फोकस और मेमोरी दोनों इम्प्रूव होते हैं। सो जब भी आपको लगे कि आप अपनी पढ़ाई में प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हो, देन ट्राई चेंजिंग योर एनवायरनमेंट। नंबर 4, टेकिंग केयर ऑफ योर ब्रेन रिक्वायर्स टेकिंग केयर ऑफ योर बॉडी। जब भी हम फोकस या प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, तो हम माइंड पे ज्यादा ध्यान देते हैं और बॉडी को भूल जाते हैं, जैसे माइंड और बॉडी दो अलग अलग चीजें हों। यू थिंक सुबह जल्दी उठना, पढ़ाई पे फोकस करना, टारगेट्स अचीव करना सिर्फ इस चीज पे डिपेंडेंट है कि आप कितने डिटर्मिंड हैं। बट थिंक अबाउट इट दिस वे, क्या सड़क पर गाड़ियां फ्यूल से चलती हैं या डिटर्मिनेशन से? जस्ट लाइक दीज कार्स, आपके ब्रेन को भी फ्यूल की जरूरत है, एनर्जी की जरूरत है, और ब्रेन को एनर्जी तभी मिलती है जब आप अपनी बॉडी का ख्याल रखते हो। सो अपनी बॉडी को चार्ज रखने के लिए ईट, स्लीप एंड एक्सरसाइज। ये फिटनेस की बात नहीं है, ये चीजें आपको दिन भर एनर्जाइज रखेंगी सो दैट आप कॉन्सेंट्रेट कर पाओ। नंबर 1, ईट लाइट। लाइट स्टमक यानी एक्टिव माइंड, इसलिए अवॉइड ईटिंग हैवी फूड जिससे आपको नींद आए। नंबर 2, स्टडी स्लीप स्टडी।
अपनी मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए रात को 7 से 8 घंटे के लिए सो और दोपहर में भी थोड़ी देर के लिए सो जाओ, यानी स्टडी स्लीप स्टडी। इससे आपका दिमाग इन्फॉर्मेशन को अच्छे से अब्सॉर्ब कर पाएगा एंड आपको चीजें रिकॉल करने में भी आसानी होगी। नंबर 3, एक्सरसाइज। दिन में सिर्फ 20 मिनट्स का समय निकालकर एक्सरसाइज करो या वॉक पे जाओ। इससे आपकी बॉडी एक्टिव एंड एनर्जाइज फील करेगी। ऑल्सो एक्सरसाइज से आपके ब्रेन में हेल्दी केमिकल्स रिलीज होते हैं जो आपकी मेमोरी, कॉन्सेंट्रेशन एंड मूड, इन सबको इम्प्रूव करते हैं। So, ये थी कुछ टिप्स जिससे आप दिन में ज्यादा देर के लिए पढ़ सकते हैं। इन एनी केस, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको हर दिन 10 घंटे या 16 घंटे पढ़ाई करनी है। हर स्टूडेंट को पता है कि उसे कितना एफर्ट लगाने की जरूरत है। अगर आप दिन में 4 घंटे भी पढ़ो बट पूरे कॉन्सेंट्रेशन एंड फोकस के साथ पढ़ो तो पूरे दिन का टारगेट उतने टाइम में अचीव हो सकता है। सो घंटों से ज्यादा टारगेट्स पे फोकस करो कि आज मुझे इस चैप्टर या इस टॉपिक को कंप्लीट करना है एंड प्रोक्रेस्टिनेशन को कंट्रोल करो। सिर्फ इतना करो एंड यू विल बी मोर देन रेडी फॉर योर एग्जाम्स। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आई सजेस्ट कि आप इन वीडियोस को जरूर देखें, ये आपके एग्जाम प्रिपरेशन में काफी हेल्पफुल होंगे। कमेंट बिलो कि आप एक सिटिंग में कितनी देर तक पढ़ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें एंड बहुत अच्छी लगी तो शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे फोकस्ड।